आप मुझे बताइएगा ये किसका फल बताया गया ना, ये किसका फल बताया गया स्नेह लता जी, बताइए तो। नचा मूर्छा क्षुधा तृषा नय बालस्य प्रजायते, नचा रोगो जरा मृत्यु देव देह सजायते। खेचरी के लिए, खेचरी के लिए ही कहा गया है। यस भेजिए, सभी लोग लिखा किसी ने आंसर या पढ़ ही रहे। हाँ अच्छा ये खेचरी के लिए कहा गया ना, बहुत बढ़िया। ओके अब देखिए, पहले मैं कुछ इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद देखना ऐसे ही क्वेश्चन मैं भेजूंगा तो आपको लगेगा कि अपूर्व जी इसका जवाब देंगे ना, कि ये किस मुद्रा का फल बताया गया है। यदि साधक अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में भी जा पड़े तो इस मुद्रा के प्रभाव से मर नहीं सकता। रुक जाइए ना, अभी आंसर नहीं करेंगे, बताइए अपूर्व जी। खेचरी का ही सर। वीरेंद्र जी, पूजा गिर जी, प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया जी, आपने हाँ बढ़िया, म्यूट कर लीजिए ना। धारणा भी तो मुद्रा में ही आती है, भेज दीजिए सभी लोग, ये देखिए। हाँ ये इसी क्वेश्चन था। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना। ओके पूजा जी इसका जवाब दीजिए, पूजा सिंह जी, जी सर। किसका इसका किसका फल बताया गया ये, मोक्ष कपाट सिद्ध वेदन करी, सिद्ध आसन उसके अलावा। के अलावा हाँ, पता नहीं। आपको ऑप्शन में देता हूं, जल धारणा, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, काशी अधो अधो धारणा, नभो धारणा। धारणा ऑप्शन नवो धारणा नभो, आकाशित आकाशी का नभो है ना निना, नवो तो हाँ धारणा। नभो धारणा ना आकाश। तो याद रखिए ये दोनों जगह बता दिया गया, सिद्धासन में भी बोल दिया गया, आपके आकाशीय धारणा में भी बोल दिया गया, दोनों जगह बोल दिया गया। और यही बात आपको गोरक्ष संहिता के आकाशीय धारणा में भी देखने को मिलती है ना, मोक्ष कपाट वेदन करी। तो ये तीनों जगह हो गए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सिद्धासन के लाभ भी हम लोग घट प्रदीपिका में देखते हैं, तो यही मिलता है ना, मोक्ष कपाट वेदन, राइट। तो जहां 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 ऐसे वर्ड आपको मिले एकदम ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ बढ़िया, आकाश धारणा। निवेदिता जी इसका जवाब दीजिए, किसका फल बताया गया ये। हिंदी मिनी बता दीजिए। प्रदीप्ते ना, प्रदीप्ते मतलब जो प्रदीप्त है, जो जल रही है, ज्वलिते। हाँ प्रदीप्त अग्नि में भी वहनी पततो यदि साधक ना, अगर साधक प्रज्वलित अग्नि में भी गिर जाती है तो एतन मुद्रा प्रसाद देना ना, इस मुद्रा के प्रसाद से जीवन जीवती ना मृत्यु भाग ना, उससे उसकी मृत्यु नहीं होती। अग्निदान जी अभी याद है ना, तो वो हिंदी में लिख दिया था। यस बढ़िया, ये संस्कृत में सर। लिख दिया गया ना, तो थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जबकि देखिए वही क्वेश्चन सेम था, बस केवल लैंग्वेज का डिफरेंस था। और ये श्लोक लिखा भी जा सकता है ना संस्कृत को हिंदी में। ओके मैंने एक दो क्वेश्चन कल मैंने भेजे थे, उसको मैं तो नहीं भेजूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं जरूर करूंगा। ज्योति जी आप अनम्यूट कीजिए, आपसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि किस महीने में योग का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, बसंत और शरद ऋतु में जी ऑप्शन तो सुन लेते पहले। ओके आपके ऑप्शन है ना, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़ा बनाना पड़ रहा है ना, एक सेकंड। ओके आपके ऑप्शन दे रहा हूं, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, किसमें करना है। तो ये मंथ तो वो नहीं
तो आप हमेशा ये अपने, वाला नहीं किया ये वाला नहीं किया है। था, नहीं शादी सुनील लता जी ने में नहीं किया कभी था, देखा भी नहीं। मुझे अच्छा याद ठीक नहीं है। है, उसमें बसंत का जो ऋतु है तो वो चैत्र और वैशाख महीने में आता है, शरद ऋतु जो है आश्विन और कार्तिक महीने में आता है, तो ये चारों महीने में कर सकते हैं। यस बहुत बढ़िया। और ये प्रॉपर वहां पे लिखा हुआ है ना, ये प्रॉपर लिखा हुआ है और मैंने अच्छा बताया भी लिखा है। है पर मैंने कभी याद नहीं किया उसको, मुझे हाँ लगा ये कभी आएगा नहीं अच्छा, कभी आएगा नहीं, ये सोच के चलेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे लगा। सर एक चीज पूछनी थी, जो नौली है तो नौली में मंत्र में तो कुछ प्रकार नहीं लिखे हुए, उसके प्रकार भी है क्या? नहीं, नौली के प्रकार घेरंड संहिता के अनुसार पूछा जाएगा तो कोई प्रकार नहीं है। हाँ, वहां राइटर ने अपने हिसाब से लिख दिया है तो आप उसको प्रीफर नहीं करेंगे। महर्षि घेरंड ने अपने हिसाब से कोई प्रकार नहीं बताया है तो वो आप, हाँ तो लेकिन उसके जब, नीचे में चार प्रकार लिखा हुआ है तो वो तो कोई मतलब उसका कोई नहीं आंसर नहीं है। नहीं वहां ठीक पे नेति बस एक ही है ना, सूत्र नेति, राइट। जिसका संस्कृत में श्लोक आपको मिले, और श्लोक सर में, मैं नौली के बारे में बात कर रही हूँ, नौली हाँ क्या के नौली भी बारे बता में? रहा हूँ, नौली में भी आप एक ही श्लोक आपको मिलेगा ना, श्लोक के नंबर पढ़िए ना, नंबर पढ़ते जाइए और जो नंबर मिल रहा है वही श्लोक महर्षि घेरंड ने कहा है, ठीक है। और जब नौली के प्रकार देखते तो एक ही बोला गया ना वहां पे, केवल नौली। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पता नहीं क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, समय ही कम पड़ जा रहा है, 1 घंटा और चला लें क्लास क्या? जी सर, ओके हाँ, जी सर, सबका हो जाए अच्छा क्या कह रहे हैं प्रिया जी? रहेगा, तो वो अगर टाइम बचा तो बाकी को भी अच्छा, बता मुझे लगता देंगे। है 1 घंटा क्लास और चलना चाहिए। एक बार हैंड रेज कीजिए तो, सभी लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। प्रीति बंसल जी की तो मजबूरी होगी, अंजलि जी भी सभी तो कर दिए तो मुझे भी करना पड़ेगा। नहीं, प्रीति बंसल जी ना के घर में लगता है गेस्ट आए हुए हैं, अंजलि जी भी के घर में गेस्ट आए हुए हैं। ओके मैं भी हैंड रेज कर देता हूँ ना, मैं भी चाहता हूँ कि आज आप लोगों की क्लास 1 घंटे से ज्यादा हो ना, इस वाले से भी कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हैंड्स डाउन कर लीजिए। आज ही 1 घंटा और करना है, क्या प्रिया जी? आज ही 1 घंटा और होगा या कल 1 घंटा? अभी क्वेश्चन बचे हुए मेरे पास ना, देखते हैं जब तक खत्म हो जाए, जरूरी नहीं है 1 घंटा, अगर 10 मिनट में हो जाए तो 10 मिनट, 20 में हो जाए तो 20, 30 में, जितना जितने देर होगा देखता हूँ। ओके स्नेहलता जी आप मुझे बताइए, यहाँ पे योग को किसके समान बताया गया, ये योग के समान क्या नहीं है? योग योग समान बल नहीं है, हाँ अब चारों बातें बता दीजिए, चारों बातें बताइए। अहंकार समान रिपु नहीं है, हाँ और ज्ञान समान बंधु नहीं है, और एक था नास्ति माया, सर ये अहंकार माया समान पाप नहीं है, बोलिए ज्योति जी। सबसे बड़ा शत्रु है, तो ये अहंकार के समान रिपु नहीं है, ये तो ऐसे तो नहीं बोला जाएगा ना। रिपु नहीं, तो शत्रु का मतलब होता है ना, मतलब ये है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, वही बोल रहा है रिपु है। कि अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं है ना, अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, वही बात बोली जा रही है, राइट। ऐसा नहीं बोला जा रहा शत्रु के समान अहंकार नहीं ना, अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं। और लिखा हुआ है, नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परम बंधुर, ना अहंकारत परम रिपु। तो ओके आगे चलते हैं। अपूर्व जी, हम लोग किसी टेक्स्ट में प्रवर्तक और निर्वर्तक कर्म की चर्चा पढ़े थे क्या? जी सर, कहाँ पढ़े थे? प्रवर्तक और निवर्तक ये पढ़ा है सर, ये पढ़ा था सर वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में ना, क्या हम लोगों को घेरंड संहिता में किसी घेरंड प्रकार के कर्म की चर्चा मिलती है क्या अपूर्व जी? संहिता में हाँ, नहीं पता। बाकी लोग मैसेज कीजिए। दो प्रकार के यहाँ पे मिलते हैं ना, कौन कौन? सुकृत और दुष्कृत, दुष्कृत राइट। सुकृत और दुष्कृत, ज्योति जी किस चैप्टर में मिलता है ये? सुकृत दुष्कृत हाँ, किस प्रकार
प्रकरण में पहला फर्स्ट में ही मिलता है, घेरण संहिता में षटकर्म में ही मिलता है, पहले में ही मिल जाती है ना ये। और ज्योति जी वशिष्ठ संहिता में प्रवर्तक निर्वर्तक कहाँ मिलते हैं? सर ये भी प्रथम अध्याय में मिलता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाँ कहाँ पर है ये, जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे ना अंजलि जी, शुरू में जो करते हैं कि घटी यंत्र के समान मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्कर में बंधा रहता है ना, तो उसके पहले बताया गया कि सुकृत और दुष्कृत कर्म दो प्रकार के कर्म बताए गए है ना। ओके आगे चलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैंने कल कर लिए थे। हाँ एक क्वेश्चन प्रिया जी आप मुझे बताएंगे, आइए सामने आप मुझे बताइए, नहीं है क्लास में? अमित जी हैं क्लास में, हैं कंफर्टेबल सामने आने में आप? प्रिया जी आप मुझे बताइए, महाधोती किसके लिए कहा गया है? बहिष्कृत के लिए कहा गया ना, ठीक है म्यूट कर ले। अमित जी हैं क्लास में आप? नहीं। ओके स्नेहलता जी आप मुझे बताइए, शक्ति नाड़ी का प्रक्षालन किस अभ्यास में हम लोग करते हैं? सर ऑप्शन दे देंगे? ओके आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, आपके ऑप्शन है वातसार, वारीसार, वहनीसार, बहिष्कृत। बहिष्कृत, हाँ बहिष्कृत ना, ये थोड़ा लगता है इजी क्वेश्चन हो गया क्या, आई मीन ऑप्शन इजी हो गया क्या, वहां पे एक मुझे जल वस्ती या शुष्क वस्ती देते तो थोड़ा ठीक रहता। एनीवे ये बहिष्कृत के लिए कहा गया। एक और क्वेश्चन स्नेहलता जी आपसे, बहिष्कृत के लिए वहां पे क्या कहा गया कि इतने देर तक जब तक आपको प्राण वायु को पेट में रखने के लिए आप सक्षम नहीं हो जाते? डेढ़ घंटे तक। और उसको वहां पे एक वर्ड अर्धयाम, आधा प्रहर तक, अर्धयाम ना, अर्धयाम याद रखना है आप सभी। ओके आगे चलते हैं। हाँ ज्योति जी आप मुझे एक जवाब दीजिए, मुझे आप मुझे बताइए किस मुद्रा का फल, हाँ सर, हाँ किस मुद्रा का फल विग्रह सिद्धि बताई गई है? शक्ति चालिनी। इसके पहले मैंने आपको एक टेक्स्ट में तीन जगह बताया, शिव संहिता में पढ़ा था। हाँ कहाँ कहाँ पढ़े थे? शिव संहिता में, खिचड़ी में और उद्यान में। उसके अलावा एक और था? खिचड़ी था, उद्यान था, शक्तिशाली था। हाँ शक्तिशाली ना, तो ये याद रखिएगा वहां पे शिव संहिता में ये तीन में विग्रह सिद्धि बताई गई है, खिचड़ी उद्यान शक्तिशाली, लेकिन यहाँ पे विग्रह सिद्धि शक्तिशाली से बताई गई ना। पूजा जी शक्ति चालिनी का अभ्यास किस आसन में करते हैं घेरण संहिता के अनुसार? पूजा सिंह जी शक्ति चालिनी का अभ्यास किस आसन में करते हैं? नहीं पढ़े। जितेंद्र जी शक्ति चालिनी का अभ्यास सर सिद्धासन में करते हैं सर। और हट प्रदीपिका के अनुसार? वज्रासन में सर। हाँ ये आप सभी को याद रखना है ना कि हट प्रदीपिका के अनुसार शक्ति चालिनी वज्रासन में बताया गया है, और वहां पे भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए कहा गया ना, भस्त्रिका कुंभक। और यहाँ पे आप शक्ति चालिनी करेंगे सर, भस्त्रिका कुंभक किसमें है? भस्त्रिका कुंभक अट प्रदीपिका में ना। हाँ ओके, और वज्रासन में बैठना है। हाँ, वज्रासन में बैठना, यहाँ पे सिद्धासन में। प्रिया जी हैं क्लास में आप? क्या हो गया, आप कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में? ओके हैं आप, आइए सामने। आप मुझे बताइए घेरण संहिता के अनुसार किस मुद्रा में हम लोग हंस मंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइएगा। आपके ऑप्शन है शक्ति चालिनी, योनि मुद्रा, अश्विनी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। मैसेज कीजिए, बाकी लोग मैसेज कीजिए, हंस मंत्र का प्रयोग किस मुद्रा में करते हैं हम लोग?
ऑप्शन मैंने दे दिया ना, योनि मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, खेचरी मुद्रा और अश्विनी मुद्रा। हंस मंत्र का प्रयोग नहीं पता किसी को? अच्छा किए हैं, योनि मुद्रा। और कोई? केवली नो? हाँ केवली के दौरान भी करते हैं, यस केवली में भी हंस मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया ना मैंने योनि मुद्रा, राइट, योनि मुद्रा में इसका अभ्यास करते हैं। ओके यस, याद रखना ये सब। हूँ मंत्र और हंस मंत्र वही है क्या? सेम? एक ही एक ही एक ही एक ही। तो मुझे लगा वो हूँ मंत्र कुछ दूसरा है। नहीं, और हंस मंत्र। जितेंद्र जी एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए घेरंड संहिता के अनुसार महामुद्रा, सॉरी महामुद्रा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, आप मुझे बताइए महावेद से एक रिलेशन बताया गया दो मुद्रा के बीच में, आप मुद्राओं के नाम बताएं और फिर वो बताइए। सर मूलबंध और महाबंध निष्फल है महावेद के। यस निवेदिता जी आप मुझे हट प्रदीपिका के अनुसार बताइए तो। सर वहां महामुद्रा और महाबंध निष्फल है महावेद के बिना। ओके ज्योति जी आप मुझे बताइए क्या किसी और टेक्स्ट में हम लोगों को ऐसा मिलता है क्या? सर हट प्रदीपिका में नहीं, हट प्रदीपिका, हिरण्य संहिता, हट रत्नावली को छोड़ करके मिलता है क्या? शिव संहिता किसी को याद है? हाँ शिव संहिता, शिव संहिता में मिलता है क्या? वहां पे शिव संहिता में किसके जैसा बताया गया, हिरण्य संहिता के अनुसार जैसा बताया गया ये हट प्रदीपिका के? SSHP हट प्रदीपिका के, यस वहां पे भी हट प्रदीपिका जैसा बताया गया ना, सेम बातें महावेद के लिए बताई गई। बढ़िया आगे चलते हैं। पूजा जी आप मुझे बताइए वलितम पलितम कहाँ कहाँ बताया गया यहाँ पे गिरण संहिता में? विपरीत करने, गिरण संहिता में विपरीत करने में ना, ठीक है म्यूट कर लीजिए। सर घेरण संहिता में तो मांडुकी में है वलितम पलितम, मांडुकी और महामुद्रा में इनको बोलने ना दीजिए ना सर, आप ऐसे बोले ऐसे लगा सही। हाँ बोले अभी तो मैं अभी इनसे एक और पूछ तो मुझे लगा कि अब हो गया इसलिए। नहीं नहीं यहाँ पे ना दो जगह मिलती है, एक मांडुकी में एक महामुद्रा में, लेकिन जब हम लोग हट प्रदीपिका की बात करते हैं तो वहां महावेद और विपरीत करने में मिलती है ना, विपरीत करने में मिलती है, लेकिन महावेद की बात करते हैं तो वलितम पलितम और एक बोलिए विपग्नम में मिलती है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा ना। पूजा जी गिरण संहिता का अलग है, हट प्रदीपिका का अलग है ना, बी केयरफुल। ओके आगे बढ़ते हैं। स्नेहलता जी आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए तड़ागी मुद्रा हम लोग किस आसन में बैठ करके करते हैं? ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइएगा। ऑप्शन दे दीजिए सर। ओके मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, तड़ागी मुद्रा हम लोग किस आसन में करते हैं? आपके ऑप्शन है पद्मासन, आपके ऑप्शन है सिद्धासन, आपके ऑप्शन है पश्चिमोत्तानासन। बढ़िया, अभी तो तीसरा ऑप्शन आना ही था कि आप पहले ही बता दिए ना पश्चिमोत्तानासन, बहुत बढ़िया आगे चलते हैं। ज्योति जी आप मुझे बताइए भ्रूण हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं किसके अभ्यास से? योनि मुद्रा। और किसी टेक्स्ट में? और वशिष्ठ संहिता में ना, वशिष्ठ संहिता में भी किसके प्राणायाम से? प्राणायाम से कितने समय? प्राणायाम से एक महीने में, एक महीने। हाँ एक महीने में ना, ये आप ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। वशिष्ठ संहिता के अनुसार भ्रूण हत्या जैसे पाप एक महीने में नष्ट हो जाते हैं ना, बहुत अच्छा गुड आगे बढ़ते हैं। प्रिया जी आप मुझे बताइए किस मुद्रा में हम लोग सन्मुखी मुद्रा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइएगा। ओके आपके ऑप्शन है खेचरी में, आपके ऑप्शन है योनि में, आपके ऑप्शन है शक्ति चालिनी में, आपके ऑप्शन है मांडुकी में। किसमें? जितेंद्र जी किसमें है? शक्ति चालिनी में सर। किसमें निवेदिता जी?
योनि मुद्रा में, योनि मुद्रा में है ना, ये सन्मुखी मुद्रा लगा करके हंस मंत्र का प्रयोग करते हैं ना। काकी मुद्रा भी, कैसे आप गड़बड़ा दे रहे हैं प्रिया जी, यस काकी मुद्रा भी करते हैं वहां पे। ओके आगे चलते हैं। ज्योति जी आपसे एक क्वेश्चन है, किसका फल बताया गया, इसमें मैं आपको ऑप्शन दूंगा अपने तरफ से, किसका फल बताया गया, आई मीन बोला गया साधन मात्रे ना देव तुल्यो भवे नर, ना इसके साधन मात्र से जो साधक होता है वो देव तुल्य हो जाता है। आपके ऑप्शन है प्राणायाम, आपके ऑप्शन है मुद्रा, आपके ऑप्शन है षटकर्म, आपके ऑप्शन है ध्यान। ओके इसके बाद आपको मैं मौका दूंगा, बताइए ज्योति जी। देव तुल्य हो जाता है, साधन मात्रे ना देव तुल्यो भवे 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 नर, जो साधक होता है देव तुल्य हो जाता है इसके अभ्यास से, मुद्रा प्राणायाम ध्यान षटकर्म। प्रिया जी प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से बताया गया ना, पहले ही श्लोक जैसे ही पढ़ेंगे ना प्राणायाम वाले में वहीं पे मिल जाएगा आपको। स्नेहलता जी आपसे एक इजी क्वेश्चन में कर रहा हूं, इसके विज्ञान मात्र से काम आदि रिपु का नाश हो जाता है, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, बताइए, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। अपूर्व जी बताएंगे आप, विज्ञान मात्र से काम आदि रिपु का नाश हो जाता है, आपको मैं ऑप्शन देता हूं, आपके ऑप्शन है, ठीक है स्नेहलता जी म्यूट कर लें। अपूर्व जी आपके ऑप्शन है यही सेम जी है। सर। हाँ आपके ऑप्शन है, क्वेश्चन सुन लिया ना आपने, काम आदि रिपु का नाश हो जाता है, आपके ऑप्शन है षटकर्म प्राणायाम प्रत्याहार और ध्यान। प्रत्याहार सर। यस प्रत्याहार ना, विज्ञान मात्र है ना काम आदि रिपु नाशनम, और वहां पे क्या था ध्यान, सॉरी प्राणायाम से देव तुल्यो भवे नर, ना देव तुल्य हो जाता है जो साधक रहता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ज्योति जी, एक क्वेश्चन आपसे है, हम लोग सगर्भ प्राणायाम के लिए कोई आसन बताया गया क्या? आसन नहीं, आज आज सर आपको बताया गया है। पूजा सिंह जी ध्यान नहीं आ रहा है, बताइए। पूजा सिंह जी रुक जाइए, प्रिया जी आपको सब याद है, दूसरे वाला याद ही रहता है आप। बताइए पूजा सिंह जी। नैलता जी सुखासन सर। क्या बात है, बहुत अच्छा सुखासन बताया गया ना, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। आगे बढ़ते हैं निवेदिता जी, सीक्वेंस में आप लगाइए तो, प्राणायाम करने से पहले क्या क्या करने के लिए बताया गया? स्थान काल मिताह नाड़ी शुद्धि। हाँ और वहां पे कुछ आसन का बताया गया ना, पहले ये बिछाएं फिर ये बिछाएं फिर ये बिछाएं और ये बिछाएं, इसका सीक्वेंस बताइए आप। सर पुष चर्म छाल और वस्त्र कंबल। फिर से बोलिए। कुश है मृग चर्म ऐसे ऐसे फिर कंबल। हाँ और कंबल से पहले व्याघ्र जिन है ना। ये चार चीज याद रखना, श्लोक के अनुसार पूछेगा बहुत अजीब सा क्वेश्चन बनेगा, कोई सेंस नहीं है, क्रमानुसार लगाओ, बट फिर भी आप याद रखिएगा ना, ये इम्पोर्टेंट है ना, लास्ट में कंबल है स्टार्टिंग में कुश है। ओके आगे चलते हैं, कुश मृग व्याघ्र और फिर कंबल। ओके जितेंद्र जी आपसे क्वेश्चन, आप मुझे बताइए ध्यान तब वहां पे कुछ चीजें बताई गई, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है, उसका सीक्वेंस बताएं, कहां पढ़ते हैं ये बताएं, कितना गुना श्रेष्ठ है ये बताएं। जब से जब तप ध्यान और ज्ञान को, प्रिया जी बताइए, आठ आठ गुना से बताइए प्रिया जी जल्दी से। जब ध्यान जब ध्यान जब ध्यान गुना ध्यान
ठीक है, म्यूट कर लो, बहुत बढ़िया। स्नेहलता जी आपसे एक क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी मैं दूंगा, आपको बताना ये श्लोक किसके लिए कहा गया है। योगानंदो जायते ध्रुवम। सर मृच्छा प्राण। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ योगानंदो जायते ध्रुवम, वेरी नाइस। किसे नहीं पूछा मैं बहुत देर से। अमित जी क्वेश्चन करूं आपसे। जी सर। ओके अमित जी नहीं दे पाएंगे जवाब। भावना जी हैं क्लास में, मैंने पिछली बार भी आपसे याद किया, आपका अनम्यूट नहीं हुआ था। हैं नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अमित जी जवाब नहीं देंगे तो इसके बाद पूजा सिंह जी जवाब देंगी, बाकी लोग आंसर टाइप करके रखेंगे, मैं भेजने बोलूं तो भेज दीजिएगा। अमित जी आप बताइए घेरंट संहिता में किस कुंभक से, ना जितने भी कुंभक वहां पे, किस कुंभक का फल कफ और पित्त नास बताया गया है। मस्त्री का सर। पूजा सिंह जी। सर उज्जैन। भेजिए सभी लोग। शीतली उज्जैन से हम लोग वहां पे, नहीं वहां पे भी तो नाड़ी जलोदर धातुगत है ना, ये शीतली का फल बताया गया, कफ रोग बताया गया। हाँ कफ रोग तो उज्जैन में भी बताया गया और शीतली में भी बताया गया। क्या यहाँ पे शीतली में भी कफ दोष बताया गया है और उज्जैन में भी कफ पित्त दोनों शीतली में है। नहीं नहीं यहाँ पे हट प्रदीपिका में कफ और पित्त है क्या, इसमें अजीर्ण और कफ दोष सर ज्वर पित्त है वहाँ पे, ज्वर और पित्त होगा ना शीतली में, ज्वर पित्त सुधा त्रिशाम, सुधा त्रिशाम ना, यहाँ पे कफ और पित्त दोनों है, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बेहतर बनेगा और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कफ पित्त वाले से, आता ही आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। शीतली प्रणायाम बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ओके ये क्वेश्चन आप सभी से, इसका जवाब आप मैसेज में करके देंगे ना, ये किसका फल बताया गया, ये सभी के लिए, नचा रोगो नचा क्लेश आरोग्यम च दिने दिने ना, जैसे कल मैंने दो क्वेश्चन आपसे पूछा था, निद्रांते भोजनांते राइट, सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय ना, उसी तरीके से ये है ना। बढ़िया प्रिया जी, बढ़िया निवेदिता जी ना, भस्त्रिका के लिए कहा गया। ओके आगे चलते हैं, ठीक है ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आई मीन ज्योति जी इसका जवाब देंगे, ये श्लोक किसके लिए कहा गया है क्लास में आप। हाँ सर। आइए सामने, मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, आपको ऑप्शन भी दूंगा, आप बताइएगा किसके लिए कहा गया है। आपके ऑप्शन है का श्वास प्लीहा कुष्ठ श्लेष्मा रोगांश च विंसति, नहीं पूजा जी बताएंगे आप, का श्वास प्लीहा कुष्ठ श्लेष्मा, प्रिया जी हैं क्लास में आप, नहीं फिर चलिए उससे भी तो होता है ना, वाससा भी तो है ना, नहीं ये प्रॉपर वाससा भी कहा गया है। पूजा सिंह जी वर्षण धोती, कौन धोती, वस्त्र धोती, वस्त्र धोती। ओके आइए आगे एक दो लोगों से और पूछ लेते हैं, प्रिया जी कुछ कहेंगे इस पे आप, ये मुद्रा का पूर्ण नाम ऐसा कुछ बताएगा, जब आप मुद्रा का कंप्लीट लाभ देखेंगे ना वहाँ पे, ये वस्त्र धोती से मिलता जुलता, इवन वही श्लोक ही है ना, सेम श्लोक है लगभग 98% सेम है, लेकिन यहाँ पे ये मुद्रा का कंप्लीट लाभ बताया गया है राइट। ये वस्त्र धोती का अन्य जगह आप देखते हैं ना हट प्रदीपिका में, हट रत्नावली में, लेकिन यहाँ पे मुद्रा का कंप्लीट लाभ बताया गया राइट। मुद्रा के तो दो लाभ हो गए ना, एक क्या हो गया ये वाला जो अभी पूछा, एक शरीर साथ स्वर्ग से आ जा सकता है ना, वो भी मुद्रा का ही लाभ था राइट। और प्राणायाम का हम लोग ने देख लिया देवतुल्य हो जाता है, प्रत्याहार का देख लिया काम आदि रिपु नाश हो जाता है ना, तो ये सब कंप्लीट लाभ बताए गए। एक तो स्टार्टिंग में साधन बता दिया गया ना कि आपको इस चीज की प्राप्ति होगी इससे, उसके अलावा एक कंप्लीट लाभ ना, जैसे हट प्रदीपिका में स्थैर्यम आरोग्यम लाघवम देखते हैं, वो आसन का कंप्लीट लाभ है, उसी प्रकार यहाँ पे ये सारे इसके कंप्लीट लाभ है। आगे चलते हैं,
अपूर्व जी, कितने प्रकार की समाधि मिलती है यहाँ पे? यहाँ दो प्रकार की, दो प्रकार की। और ध्यान कितने प्रकार का? ध्यान नहीं पता सर। ध्यान का? ध्यान नहीं। ओके जितेंद्र जी, कितने प्रकार की समाधि मिलती है? कई प्रकार की है सर। इस बार सीक्वेंस आया था तो बेहतर हो सीक्वेंस में आप बताएं। ध्यान नाद रस लय, बाकी लोग टाइप करके रखिए ना, जब मैं बोलूं भेजने तो भेज दीजिएगा, क्योंकि बार बार पूछूंगा तो फिर बहुत समय चला जाएगा। बाकी लोग टाइप करके रखिए। स्मिता जी म्यूट रखिए ना। ध्यान है, नाद है, खिचड़ी है, लय है, आप समाधि के नाम पूछ रहा हूँ ना, तो आप उसका साधन क्यों बता रहे हैं? रस, रस लास्ट में भेजिए सभी लोग। लिखा किसी ने? ध्यान नाद रस, वही तो रस लास्ट में थोड़ी आएगा। ध्यान नाद रस, ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति, मूर्छा, ना ये सीक्वेंस आ गया था इस बार। और हालांकि मैं प्रिडिक्ट कर लेता हूँ सीक्वेंस, पता नहीं ये कैसे मेरे माइंड से स्लिप कर गया, बट अब आ गया है तो इसको ध्यान रखिएगा ना, ऐसे ही सीक्वेंस आते हैं। बढ़िया, ध्यान नाद रस लय भक्ति मूर्छा, बहुत अच्छा। ओके स्नेहलता जी, ध्यान कितने प्रकार का कहा गया है यहाँ पे? स्नेहलता जी हैं आप? नहीं। पूजा सिंह जी, ध्यान कितने प्रकार का? हाँ बताइए। यस, तीन प्रकार के ध्यान है। कौन कौन से? स्थूल ध्यान है, एक ज्योति ध्यान है और एक सूक्ष्म ध्यान है। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगा। अच्छा, इसके बीच एक रिलेशन है, पहले वो भी बता दे। सर, स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान 100 गुना ज्यादा अच्छा है और ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान 1,00,000 गुना अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, गुड। एक और क्वेश्चन नहीं लता जी आपसे, हम लोगों को 1,00,000 मेंशन किया हुआ है या लाख? लाख ही हुआ ना, लाख हुआ, वो अंडरस्टूड है, 1,00,000 ही हुआ ना, राइट? स्नेहलता जी एक क्वेश्चन और आपसे, सकल और निष्कल ध्यान की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है हम लोगों? नहीं सर, ये नहीं पता। प्रीति बंसल जी हैं आप? प्रिया जी हैं आप? निवेदिता जी? गोरक्ष संहिता में सर, गोरक्ष। यस, बढ़िया स्नेहलता जी, इसको याद रखिएगा ना, गोरक्ष संहिता में ये मिलती है हम लोगों को। दोबारा सर क्वेश्चन बता देंगे, दोबारा क्वेश्चन बताने के, रिपीट कर देंगे दोबारा। जैसे यहाँ पे स्थूल सूक्ष्म ज्योति ध्यान देखते हैं ना, वहां पे सकल और निष्कल ध्यान बताई गई। अपूर्व जी, यहाँ पे 3 प्रकार के ध्यान है, ना कि 2 प्रकार के, ना, तो ध्यान रखिएगा। ओके, ध्यान हो गई, समाधि हो गई, मुद्राएं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। कुछ छोटा है तो आप लोग याद दिलाएं तो मैं पूछ लूं वो भी। देव देह हम कहां कहां? वो तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, अब वो थोड़ी, वो तो आप लोगों को एकदम क्या ही बोले। एक दो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कहीं कहीं। सर एक क्वेश्चन था उसमें कांति पुष्ट ऐसे कुछ लिखा है तो हाँ, क्या? कांति पुष्ट बोलिए, क्या बोलना है, बोलना है इसमें तो किसमें है, इसका लाभ किसका है? मूल शोधन का था, शोधन का बताया गया था। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से ज्योति जी, इसका जवाब आप देंगे। मुद्रा में कहीं हम लोगों को बल पुष्टि मिलती है क्या? मुद्रा में? मुद्रा में सर उपासनी में था और अश्विनी में, दोनों में था, अश्विनी में था। यस, ये आप सभी को याद रखना है ना, जब हम लोग षटकर्म की बात करते हैं तो वहां बल पुष्टि कहाँ मिलती है? षटकर्म वस्त्र धातु में, वस्त्र धातु। लेकिन जब मुद्रा की बात करते हैं तो अश्विनी और आपकी पाशनी हो गई ना। ओके आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और मुझे मिला, ठीक है, इसको मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे ना, इसका जवाब, आई मीन 2-3 क्वेश्चन हैं, देखता हूँ मैं कितने हैं। इसका जवाब निवेदिता जी आप दीजिए जरा, ये किस में, ये हम लोगों को किस धारणा में ये बताया गया ना, किसी धारणा का फल बताया गया ना,
ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम में कि ये जो भक्तिहीन है, जो सठ लोग है ना, ऐसे लोगों को ये धारणा का फल नहीं दिया जाता है। निवेदिता जी पढ़िए, सोचिए, और निवेदिता जी नहीं देंगी तो ज्योति जी इसका जवाब दीजिएगा। सब मुद्राओं के बारे में ही कहा गया है, ये धारणा के बारे में कहा गया ना, उसको कुछ नहीं बताना चाहिए, मुद्रा भी नहीं। मुद्रा में भी ये लाइन है कि सठ और भक्ति इनका नहीं देना चाहिए, एक धारणा के लिए। जल धारणा देखिए, वैसे नहीं बनेंगे बट फिर भी आपको अगर थोड़ा बहुत याद रहे ना, ये वाई भी ये धारणा में लिखा हुआ है ना, वाई भी ये धारणा, वाई भी। ओके चलिए, मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, ये हो गया, ये भी हो गया। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्नेहलता जी आप मुझे बताइए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोगों को मत्स्यासन किस आसन में करने के लिए कहा गया है? मुक्त पद्मासन। मुक्त पद्मासन ना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रिया जी चले गए, आप आते हैं, प्रकट होते हैं, गायब हो जाते हैं, प्रकट होते हैं, गायब हो जाते हैं, क्या चाह रहे हैं आप? आप मुझे बताइए, मुक्ति स्वभाव की भवेत किसका ये लिए कहा गया है? प्रिया जी, जितेंद्र जी को तो हो गया ये सब चीज। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? ऑप्शन तो क्या, आप आंसर ही बता रहे हैं, उसमें भी आप कंफ्यूज हैं तो मैं क्या बोलूंगा, ऑप्शन देंगे तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे ना। उद्यान बन, उद्यान बन ना, यस, कुछ लोगों ने मैसेज भी किया, राइट, ओके। निवेदिता जी, इसके प्रसाद से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, ये क्वेश्चन मैंने और लिखा था, कहां चला गया? निवेदिता जी सर महाबल, यस, ओके, लास्ट क्वेश्चन, ज्योति जी इसका जवाब देंगे। प्रलय के ये बताना है, किस धारणा का फल बताया गया कि इस प्रलय के समय भी में भी वह दुखित नहीं होता है ना, इसी धारणा का फल बताया गया क्या? मैसेज कर दीजिए बाकी लोग। राकाक्षी धारणा का भी है और विपरीत करने मुद्रा में भी, इसीलिए धारणा मैंने बोला था ना, राइट, बहुत बढ़िया। आकाशीय धारणा का ये बताया गया कि प्रलय अपि न शीदति, प्रलय के समय भी वो दुखित नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी तैयारी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले की चीजों को आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, नॉन स्टॉप पढ़ते रहिए ना, ये 30 दिन 40 दिन में खत्म हो जाए, इसके बाद भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, और यकीन मानिए रिजल्ट हो ना हो लेकिन आप सेटिस्फाइड रहेंगे अपने आप से कि आपने जो कर्मण्यवाद विकार रस्ते वाले लेकिन वो एकदम जम करके मेहनत की है ना, तो इस चीज को पढ़ते रहिए, और जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं ना तो आप रिजल्ट तो हो ही जाएगा ना, लेकिन आप आ सकते हो ना निष्काम भाव से, इस चीज को करते रहिए, करते रहिए, वीडियो को सुनते रहिए, क्योंकि अब इतने डीपली मैं शायद आपसे गिरण संहिता ना पूछ पाऊँ, मैं दोबारा से आपसे वशिष्ठ संहिता नहीं पूछ पाऊँ, लेकिन जहाँ कहीं भी अगेन मैं फिर से याद दिला देता हूँ, हम लोग यूनिट 3 पढ़ेंगे तो उसमें अगर आपको धारणा दिखी तो मैं आपसे फिर वशिष्ठ संहिता, गिरण संहिता, गोरक्ष संहिता की धारणा के लाभ मैं फिर से पूछूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। धारणाओं के स्थान दिखे तो फिर से मैं आपसे वशिष्ठ संहिता के स्थान पूछ लूं, आसन दिखे तो मैं फिर से भले ही पूछ लूं, यम नियम त्रिशिखी में दिखे तो फिर से मैं आपसे वशिष्ठ संहिता के यम नियम पूछ लूं, उससे भी संहिता के नियम पूछ लूं ना, तो दिखता जाएगा मुझे, मैं पूछता जाऊंगा, लेकिन आपका दायित्व तो ये बनता है कि आप भी उस चीज को पढ़ते रहे ना, और इससे क्या होगा कि जब आप बार बार उस चीज को बोलते हैं, यहाँ पे मैसेज करते हैं, आपको वो चीजें याद होती रहती है ना, और यही चीज होता है कि यही आपको कंपेरेटिव स्टडी में बहुत हेल्प करेगा ना, एग्जाम में यही सब चीजें वहां पे आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको ऑप्शन की शायद जरूरत ना पड़े, और यही चीजें मैं आपके अंदर
डालना चाह रहा हूँ ना कि आपको उस ऑप्शन की बैसाखी की जरूरत ही नहीं पड़े। ऑप्शन दे तो अच्छी बात है, अच्छा है कि वहाँ वन वर्ड आंसर नहीं आपसे पूछा जा रहा है, वो भी पूछा जाता तो भी आप उतने ही कॉन्फिडेंट रहते जितने अभी पूछे जा रहे हैं ना। यहाँ ये तो आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे यूज कर पाए होंगे कि आपने इतने अच्छे से स्टडी कर रहे हैं ना। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं तो कल के लिए ना। अब यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ आपका यहाँ पे यूनिट 5 कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, इसमें अब कुछ छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ों को कवर कर लिया। आप वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा। कल हम लोग 4 उपनिषद करेंगे, मैं बता देता हूँ कौन कौन से उपनिषद हम लोग करेंगे ना। इसको मैं पहले सिलेबस निकाल लेता हूँ, रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। हाँ, योग कुंडल, योग चूड़ामणि, त्रिशिखी और योग तत्व ना, ये 4 उपनिषद रहेंगे। ये कल के लिए आप करेगा ना, ये 4 क्या क्या, योग कुंडल, योग चूड़ामणि, त्रिशिखी और योग तत्व। सर अब दो दो दीजिए ना, इतना क्या जल्दी है, दो दो दीजिए। नहीं नहीं दो दो नहीं, आप तो एक बार पढ़ लिया, अब क्या उसके बाद ये 4 कर। चूड़ामणि का हम लिखे ही नहीं थे, बाकी रह गया तो ठीक है। आप सभी को क्लियर है जी सर, ये 4 योग कुंडल, योग चूड़ा, त्रिशिखी और योग तत्व। एक बार सभी से पहले पूछ लेता हूँ, क्या पता कुछ पोल, पोल सर, अग्री करे ना। क्या स्नेहलता जी, हो जाएगा 4 उपनिषद एक दिन में? सर 3 दे दीजिए ना। 3। जितेंद्र जी क्या ख्याल है आपका? हो जाएगा। ज्योति जी? सर उनसे तो हो ही जाएगा, आप तो उनको पूछ रहे हैं। सारे दे दीजिए। किसने बोला सारे दे देने? <तू से? laughs> नहीं नहीं सारे देंगे तो फिर गड़बड़ ही हो जाएगा, फिर तो ऐसे ही इतना अटेंडेंस कम हो गया, एक बुक लोग से नहीं हुआ। तीन तीन कर दीजिए या 4-4 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, क्योंकि पेपर की भी तैयारी करनी है ना। क्या प्रीति जी? साथ साथ फर्स्ट पेपर भी चलेगा, फर्स्ट पेपर भी चलेगा ना सर साथ साथ, इसलिए कम कम ही दीजिए, अभी तो टाइम है हमारे पास। टाइम आपके पास है, टाइम हमारे पास नहीं है ना, ये तो मैंने पहले ही बोला कि जो बैच नया स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये वाला टाइम जो 9 से 10 है वो उनके पेपर 1 के लिए अलॉट हो जाएगा, राइट। इसलिए मैं आपको 30 दिन दिया था, अब 10 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 40 दिन ना। तो अभी से अगर आप जल्दी करेंगे तो बाद में रिवाइज करने का भी आपको मौका मिलेगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ। एनीवे चलिए मैं न 2 में 4 न मैं 3-3 में इसको कर देता हूँ। चलिए ठीक है, सभी की बातों से मैं सहमत हो जाता हूँ। देखिए तो यहाँ पे ना फिर हम लोग योग तत्व को, मैंने 3 ही बोला था। अच्छा आप 3 ही बोले थे, चलिए पूजा जी खुश हो जाइए आप भी, चलिए ये 3 ही करते हैं हम लोग, ठीक है। योग कुंडल, योग चूड़ामणि, त्रिशिखी, ये थोड़ा सा बड़ा है तो बाकी ये उसके साथ सर, श्वेताश्वर से स्टार्टिंग है ना, तो सर श्वेताश्वर, योग कुंडली, योग चूड़ामणि दीजिए। श्वेताश्वतर को लास्ट में करेंगे ना, घबराइए मत, क्यों श्वेताश्वतर आपको पढ़ने में ज्यादा मजा सर, वो तो फर्स्ट चैप्टर है ना, नहीं इसके भी सर मैंने ऐसे सीखना सही, फर्स्ट चैप्टर श्वेताश्वर ही है शायद। नहीं नहीं देखिए ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए योग कुंडल में आपको वही चीज दिखेंगे, प्राणायाम दिखेंगे, आसन दिखेंगे, योग चूड़ामणि में वही गोरख संहिता वाली दिखेगी, त्रिशिखी ब्राह्मण में आपने पहले दिन ही वशिष्ठ संहिता पढ़ा था तो इसके यम और नियम रिवाइज हो जाएंगे ना, इसलिए ये 3 मैं दे रहा हूँ, राइट। अगली बार जब मैं दूंगा अगेन तो वो 3 कोई भी आप सिलेक्ट कर लेना, लेकिन कल के लिए यही 3 रहेंगे, राइट। योग कुंडल, योग चूड़ामणि, त्रिशिखी, क्लियर है सभी को? जी सर। प्रीति जी क्लियर है? भावना जी हैं आप? प्रिया जी क्लियर है? चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम लोग 9 बजे। हरिओम आप सभी को, शुभ रात्रि। हरिओम।